नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है और हार्दिक पांड्या की फिटनेस सिलेक्शन और भी बहुत सारे क्वेश्चंस जो आपके आए थे, आपके सवाल हमारे जवाब के सेगमेंट है आस्क एमसीए, जो आपने लिखे थे बहुत सारे क्वेश्चंस थे, उसके अंदर से हमने 10 पिक करे, 10, 8 या 10 ही होंगे, तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे। मेरे साथ मौजूद है आर्यन। आर्यन, आपके कहना चाहेंगे क्वेश्चन बहुत ज्यादा, मतलब इंडिया से रिलेटेड ये कि सेमीफाइनल में नहीं पहुंची तो क्वेश्चंस तो वैसे बहुत बढ़िया बढ़िया थे और मतलब क्वेश्चंस तो शानदार ही पूछे इस बार। और या देखो, इंडिया के अब नहीं पहुंच पाए T20 वर्ल्ड कप पे, तो बहुत लोग के सवाल उठेंगे एंड बिल्कुल जवाब देंगे उस पर। देखिए क्वेश्चंस ले लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे सार्थ सार्थ का एक क्वेश्चन है कि क्या इस बार वर्ल्ड कप के लिए इंडिया का सिलेक्शन गलत था? क्या टीम ने वरुण चक्रवर्ती की जगह यूजी को लेना चाहिए था? आपका इस बारे में क्या ओपन है? देखिए, जो फर्स्ट वाली जो आपने पूछे सिलेक्शन गलत है, तो हमने जब ही बोल देते थे, हमने स्वॉट एनालिसिस करा था जब 9 तारीख को आया था शायद से, 9 सितंबर को आया था शायद से स्क्वाड, और उसके अगले दिन हमने शॉर्ट एनालिसिस करा था। हमने यही चीज़ बोली थी कि यूजी को बिल्कुल होना चाहिए था, वरुण की जगह तो नहीं, मैं राहुल चहर की जगह यूजी को देखता। वरुण को जब स्ट्रेस पेनल लेके गए थे कि कोई उनको जानता नहीं, IPL के अंदर परफॉर्मेंस भी अच्छा था, लेकिन हालांकि वो पे ऑफ करा नहीं उन्होंने, वैसे कि ज्यादा रन भी नहीं दिए उन्होंने, उनकी इकनॉमी 5 या 6 की रही है, ज्यादा उन्होंने रन भी नहीं दिया, हालांकि विकेट नहीं दिए, ये बात कह सकते। तो विकेट टेकर बॉलर युजवेंद्र चहल थे, मैं तो चाहता था वो खेले, और बिल्कुल वरुण चक्रवर्ती की जगह नहीं, मैं राहुल चहर की चाहता था कि चहल खेले, लेग स्पिनर को लेग स्पिनर ही एक रिप्लेस कर सकता है बढ़िया सा। आर्यन, आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? यार देखो, कुछ भी बोलो, बट राहुल चहर अभी इतना एक्सपीरियंस प्लेयर नहीं है, तो मैं तो चहल के साथ ही जाना चाहूंगा राहुल चहर की जगह भी। राहुल मतलब ऐसे बॉलर बढ़िया है, बट फिर भी पहले चहल की तरफ ही जाना चाहिए। तो भाई हमारा तो इसका ये ओपिनियन है, हम तो शुरू से कहते हुए आ रहे हैं कि चहल को यार एक्सपीरियंस प्लेयर है, उनको एक बार मौका मिलना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे ऋषभ वत्स का है, ये कह रहे हैं कि व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन हार्दिक पांड्यास डिपेंडेंस, वी वर वेरी मच डिपेंडेंट ऑन हिम बिकॉज ऑफ नॉट हैविंग एनी स्ट्रॉन्ग बैकअप हु कैन बोल एंड बैट, ही डिडंट बोल वेल एंड ही इवन डिडंट बैटेड वेल टू इन अ क्रूशियल एनकाउंटर, बट वी डिडंट हैड हिज स्ट्रॉन्ग बैकअप, सो इज दिस अ नीड टू लुक आफ्टर अदर्स एज हार्दिक बैकअप। देखिए इसका तो मेन यही है ना कि हर कोई बोलता है कि हार्दिक का रिप्लेसमेंट नहीं है। मैं एक ही चीज कहता हूँ कि जब IPL खिला रहे हो और उसके अंदर जो भी आपके ऑलराउंडर्स हैं, जो हार्दिक का जो बैकअप मिल सकता है, उनको एक बार चांस दीजिए बायलेटरल सीरीज के अंदर। जो अभी शायद से वेंकट पहले स्क्वाड अनाउंस हुआ था, तो वेंकटेश अय्यर को चांस मिला था, तो वेंकटेश अय्यर को आप ग्रूम करिए और ओपनर की जगह नंबर 6 पे उनको ग्रूम करिए और आप हार्दिक का रिप्लेसमेंट उनको बनाइए। शार्दुल ठाकुर है, शार्दुल एज ए बॉलिंग ऑलराउंडर है, लेकिन अगर आप उनको और ग्रूम करोगे तो वो एज ए बैट्समैन भी आपके पास निखर के आएंगे। तो 2-3 ऐसे नाम है, शिवम दुबे हो गई, दुबे को यार चांस मिले थे, लेकिन दुबे को मिले तो थे चांस, लेकिन उतना उन्होंने परफॉर्मेंस दी नहीं थी। विजय शंकर को भी बहुत चांस मिले थे 2019 वर्ल्ड कप में, बकायदा सिलेक्ट भी हुए थे वो, लेकिन उतनी अच्छी परफॉर्मेंस आई नहीं। तो हार्दिक के जो भी रिप्लेसमेंट होते हैं ना, उनकी परफॉर्मेंस ही नहीं आती, तो फिर हार्दिक के पास ही पूरी टीम सिलेक्शन को देखना पड़ता है कि यही एक बैकअप है जो हार्ड हिटर भी है। एक मैं देख रहा हूँ वेंकटेश अय्यर को, इनको थोड़ा सा ग्रूम करे और हार्दिक का बढ़िया से बैकअप हो सकता है। और आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर हार्दिक नहीं खेलते 11 देखो, में, तो वेंकटेश कॉम्बिनेशन अय्यर बिल्कुल मतलब बिगड़ता है। ऐसे इतने बढ़िया बॉलर नहीं है, मतलब ऐसे पार्ट टाइम बॉलर ही है एक बार देखा जाए तो उनसे बेटर तो देखो शार्दुल ठाकुर का ही नाम लेना चाहेगा लेना चाहेंगे। दीपक चार भी बढ़िया है, ये दो ही ऑप्शन अभी तो मेरे को लग रहा है। वेंकटेश अय्यर आप सही कह रहे हो, बट यार देखो वेंकटेश अय्यर वैसे ओपनिंग करते हैं KKR वगैरह के लिए। अब अगर के वेंकटेश अय्यर को आप नंबर 6 पर लिया हो, नंबर 7 पर लिया हो, तो यार देखो दिक्कत आएगी। अगर आप एक ओपनिंग बैट्समैन को इतना नीचे ला रहे हो, तो बैटिंग में भी खराबी आएगी, और बॉलर वो भी इतने बढ़िया नहीं है, पार्ट टाइम बॉलर है, तो दोनों तरफ से दिक्कत आएगी। तो वेंकटेश अय्यर के साथ में सहमत नहीं हूँ। बाकी मेरे को लगता है दीपक चहर और शार्दुल ठाकुर का ग्रूम कर सकते हैं, वो बढ़िया प्लेयर बन सकते हैं, हार्दिक पांड्या के रिप्लेसमेंट बन सकते हैं। देखिए वेंकटेश अय्यर फिर वही है ना, अगर आपको इंडियन टीम में खेलना है तो एज एन ओपनर आप मत खेले, क्योंकि ओपनर तो इतने सारे हो गए, अभी कल स्क्वाड है तो उसके अंदर मतलब 6 ओपनर थे, ऋतुराज, ईशान किशन, रोहित शर्मा, KL राहुल, जिसमें से रोहित और KL तो कैप्टन वाइस कैप्टन है, तो इनको अपनी जगह की पड़ी होगी कि यार हम कहाँ पे किस लेंगे, किसको खिलाएंगे। और वेंकटेश अय्यर भी, तो मैं तो चाहूंगा वेंकटेश अय्यर को भी ट्राई करके देखे नंबर 6 पे। विराट कोहली भी आए थे जो एज एन ओपनर आए थे, लेकिन नंबर 3 पे वो किसके ही थे, तो और वो जब डोमेस्टिक लीग खेलते हैं अय्यर, तो वो नंबर 4 पे आते थे, तो नंबर 6 पे जाने के अंदर उनको क्या दिक्कत होगी, नंबर 6 पे ही आते हैं हार्दिक पांड्या शायद, तो नंबर 6 पे उनको ट्राई करिए भी, जो बायलैटरल सीरीज है न्यूजीलैंड के खिलाफ, तो आप उनको एक चेक भी कर सकते हैं। और बॉलिंग तो मैंने उनको जितनी बॉलिंग कराई थी उन्होंने ठीक ठाक करी तो थी, बस विकेट्स भी लिए थे 1-2, लेकिन हार्दिक पांड्या से कंपेयर करें तो वो अभी तक उनको मैंने देखा नहीं है, अभी सिर्फ IPL के अंदर देखा। अगर मैं उनको और देखूंगा किस तरह से परफॉर्मेंस करते तो फिर बता पाऊंगा वेंकटेश अय्यर का तो। और शार्दुल ठाकुर को आप ग्रूम कर सकते हैं बिल्कुल एज अ बैट्समैन भी, बॉलर तो वो ठीक ठाक है।
तो यही ये प्रॉब्लम तो है ऋषभ की, जब तक कोई ऑलराउंडर ढंग का मिलेगा नहीं तो फिर आपकी सिक्स बॉलिंग ऑप्शन भी नहीं होगा टीम का, वो बैलेंस बना नहीं रहेगा। जब हार्दिक होते तो आप तीन स्पिनर भी खिला सकते हो ताकि तीन पेसर हो जाए, अगर हार्दिक नहीं होते, हार्दिक एज ए बॉलर नहीं होते तो आपको फिफ्थ बॉलर के साथ, फिफ्थ ही बॉलर ही होते हैं तो फिर वो उतना इम्पैक्ट नहीं दे पाते। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन इन्होंने लिखा था कि नॉट सिंगल टाइम एवरी टाइम इट हैपेंस, शायद से वो लिख रहे हैं कि सेमीफाइनल के अंदर हर बार नहीं पहुंचते थे, उनका कमेंट है नॉर्मल। आदित्य बोल रहे हैं कि इस बार हमने काफी गलतियां की जिस वजह से हम सेमीफाइनल्स में तक नहीं पहुंच पाए, लेकिन एकदम फालतू टीम सिलेक्शन, मिडल ऑर्डर भी इनएक्सपीरियंस, टॉप ऑर्डर चल गया तो चल गया, बॉलिंग में जो फॉर्म में था उसको नहीं लिया, जो फॉर्म में नहीं था उसको उठा लिया, मिस्ट्री बन गई ना पूरा ना पूरी आपका, अच्छा बन गई और पूरी मिस्ट्री बन गई पूरी, आपका क्या मानना है ये सारी गलतियों के बारे में? यार फॉर्म में नहीं था, मैं तो ये कहना चाहूंगा जब सिलेक्शन हुआ था 9 सितंबर को हुआ था, जब भी हुआ था उस वक्त फॉर्म में थे सारे खिलाड़ी, हार्दिक पांड्या भी फॉर्म में थे, ईशान किशन भी फॉर्म में थे, यू मुंबई की तरफ से सूर्य कुमार यहाँ बहुत शानदार फॉर्म में थे, उस वक्त जो फॉर्म में थे, अब आप यही नहीं कह सकते अब फॉर्म चला गया, वो आप कह सकते हैं, लेकिन उस वक्त जब सिलेक्शन हुआ था जब कुछ प्लेयर्स तो फॉर्म में थे और कुछ प्लेयर्स मान तो रेपुटेशन के बेसिस पे थे, शायद से मोहम्मद शमी कह सकते हैं, भुवनेश्वर कुमार कह सकते हैं, राहुल चहर कह सकते हैं, राहुल चहर का फॉर्म थोड़ा ऐसे ही था हॉट एंड कोल्ड की जैसे कि कभी चला था, लेकिन उस वक्त ईशान किशन, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, इनका फॉर्म था मुंबई की तरफ से, मैंने उनको देखा भी था, जिस तरह से उनकी परफॉर्मेंस आई थी पूरे आईपीएल के अंदर, तो जब सिलेक्ट हुई थी टीम के, राहुल का ही बढ़िया फॉर्म था, यार तो अभी नहीं कह आईपीएल सकते कि और धवन इंडिया को। के लिए खेलने में बहुत फर्क होता है यार, बट अगर आप आईपीएल में खेल रहे हो सीधा आप ऐसे इंडिया के लिए खेल रहे हो इतने बड़े मैदान पे, देखो जब पाकिस्तान वाला मैच हुआ था ना तो सब प्लेयर्स की हालत दिख गई थी एक बार के लिए कैसे, मतलब भाई इतना प्रेशर इतना क्राउड, और इंडिया पाकिस्तान के मैच में कोई भी प्लेयर नहीं चलाता है यार, देखो आईपीएल से कंपेयर नहीं कर सकता, आईपीएल में तो बहुत लोग बढ़िया चल जाते हैं बट इंडिया के लिए खेलने में अलग ही बात हो जाती है। पर वही ना, अगर ये फॉर्म की बात करते तो फॉर्म अपन देखेंगे का, क्योंकि सूर्य कुमार को इतना वो खिलाया नहीं, तो सूर्य कुमार ने, यार सूर्य कुमार देखिए उससे पहले इंग्लैंड के सीरीज में भी थे शायद से, और वहां पे वो फॉर्म में ही थे, मैंने जब तक उनको देखा था, सूर्य कुमार की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी आई थी उस वक्त इंटरनेशनल, उन्होंने जब डेब्यू करा था 6 से ही चालू करा था, 6 मार के इंग्लैंड जैसी टीम के खिलाफ, तो यार वो फॉर्म में थे, मुझे लग रहा है सूर्य कुमार के सिलेक्शन सही था, कुछ सिलेक्शन अच्छे थे उस वक्त फॉर्म में थे, लेकिन कुछ सिलेक्शन मुझे लग रहा है रेपुटेशन के बेसिस पे थे, मोहम्मद शमी, भुवनेश्वर कुमार ये बिल्कुल भी फॉर्म में नहीं थे, इंग्लैंड सीरीज के अंदर, श्रीलंका सीरीज के अंदर भी इतनी फॉर्म में देखे नहीं थे मुझे भुवनेश्वर कुमार, हार्दिक पांड्या का आप कह सकते कि इतने इनकंसिस्टेंट रहे, वो इतना अच्छा फॉर्म नहीं था, तो कुछ मेन खिलाड़ी जिन जो फॉर्म में नहीं थे और रेपुटेशन के बेसिस पे, और 2-3 खिलाड़ी जिनको आना चाहिए था जो आए नहीं, शायद श्रेयस अय्यर हो सकते हैं और युजवेंद्र चहल हो सकते हैं, और अक्षर पटेल का मैं देख रहा हूँ, अक्षर पटेल बहुत अच्छी फॉर्म में थे लेकिन उनको हटा के फिर शार्दुल को लाया, तो वो सब थोड़े से सिलेक्शन मुझे, मैं खुश नहीं था उस सिलेक्शन से जिस तरह से सिलेक्ट हुआ था, और बहुत सारे यंगस्टर थे जो फॉर्म में थे लेकिन उनको भी सिलेक्ट नहीं करा था, आवेश खान, मोहम्मद सिराज, हर्षल पटेल, ऋतुराज गायकवाड़, तो बहुत सारे प्लेयर्स थे जो फॉर्म में थे लेकिन उनको सिलेक्ट ही नहीं करा, तो आपकी बात बिल्कुल सही। और टॉप ऑर्डर की बात करें तो यार देखिए ये पाता ना 2016 के बाद से चलती आ रही, 2016 के बाद अपन पूरे जो इंडियन टीम है वो यही निर्भर है कि 1-2-3 आउट हो जाता तो फिर मिडल ऑर्डर नहीं संभालता धोनी के, देखिए ये जब देखो इंडिया को अभी तक धोनी, नंबर 4 का बैट्समैन मिला ही नहीं इतने सालों से, इंडिया पिछले 5-6 सालों से नंबर 4 का बैट्समैन ढूंढ रहा है जो अभी तक इन्हें मिला ही नहीं है, सही बात बताओ तो, एंड मुझे लग रहा है मिल भी नहीं पाएगा क्योंकि देखो पहले एक बार के लिए विजय शंकर आ गए थे, फिर कई बार हार्दिक पांड्या आ गए, फिर कई बार अंबती रायडू जो परफेक्टली बैट कर रहे थे बट उन्हें मौका नहीं दिया तो वो रिटायरमेंट ले देखिए लिए, इसका मेन तो बहुत रीजन से क्या है प्लेयर्स हैं कि नंबर टीम है फोर। ना, टीम कोई कांस्टेंट ही नहीं रखती, अब अंबाती रायडू को, अंबाती रायडू मतलब बिल्कुल उस वक्त बढ़िया फॉर्म में थे 2019 के अंदर आईपीएल में बढ़िया फॉर्म में थे और उनका जब सिलेक्ट हुआ था लेकिन विजय शंकर के लिए उनको सिलेक्ट नहीं किया गया था, बोले 3D प्लेयर है विजय शंकर, तो अब आपको क्या दिया विजय शंकर ने, कुछ दिया एज अ बैट्समैन भी कुछ नहीं दिया, उन्होंने बॉलर भी नहीं दिया, तो नंबर 4 पे अंबाती रायडू बढ़िया परफॉर्म कर सकते थे लेकिन ये कांस्टेंट नहीं रखते ना, नंबर 4 पे विजय शंकर को रख दिया, थोड़े टाइम बाद अय्यर को रखेंगे, फिर सूर्य कुमार को रख रहे थे अभी वर्ल्ड कप के अंदर, अब ऋषभ पंत को रख देंगे, अगर किसी एक जने को फिक्स रखे ना कि भाई रैना नंबर 3 पे आता तो उसको नंबर 3 पे आना, तो विराट कोहली नंबर 3 पे आता उसको 3 पे आना था एग्जाम्पल, तो आप ये क्या कि परफॉर्मेंस भी नहीं कर गए, अगर आप बार बार चेंज करते रहोगे नंबर 4 की पोजीशन तो ऐसा कुछ नहीं होगा। अब देखिए 2016 से प्रॉब्लम आ रही, धोनी, यूवी और रैना, ये तीन जने थे ना जब मिडल ऑर्डर स्ट्रॉन्ग था 2014 2013 के अंदर, और 2007 के बाद आप कह सकते जब भी ये तीनों खेले थे तो मिडल ऑर्डर स्ट्रॉन्ग था और ऊपर अपन डिपेंडेंट नहीं थे सचिन तेंदुलकर और वीरेंद्र सहवाग इन सौरव गांगुली इन पे, लेकिन अभी डिपेंड इस तो क्योंकि आपने कांस्टेंट ही नहीं रख रखा मिडल ऑर्डर, अगर आप लगातार कांस्टेंट रखो कि भाई मेरे को ऋषभ पंत को खिलाना है नंबर 5 पे नंबर 4 पे, सूर्य कुमार को सारे T20 में खिलाना ही खिलाना है,
तो परफॉर्मेंस भी देंगे, तो मेरा तो ये मानना है कि आप कांस्टेंट नहीं रखते, इस वजह से देखो फिर ऋषभ पंत, इन्होंने लिखा है कि पुट मोर ऑलराउंडर्स इन द टीम टू हैव एटलीस्ट सिक्स प्रॉपर बॉलिंग ऑप्शंस एंड बैटिंग डेप्थ अप टू एट, वेंकटेश अय्यर, शिवम दुबे, शार्दुल ठाकुर, दीपक चहर, अभिषेक शर्मा, राहुल तेवतिया, अब्दुल समद एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इन पर ट्राई करिए, और स्पेशली इन पेटीएम सीरीज विदाउट एनी फियर ऑफ लॉस बिकॉज आर मेन एम इज टू विनिंग द वर्ल्ड कप नॉट आईपीएल। इन्होंने बोला कि आप मेन एम रखिए कि हमको वर्ल्ड कप जीतना और फियरलेस खेले पेटीएम सीरीज के अंदर। अगला इन्होंने लिखा था अडॉप्ट इंग्लिश ब्रांड ऑफ क्रिकेट इन वाइट बॉल टू गो फियरलेस फ्रॉम द फर्स्ट बॉल। हाँ भाई इंग्लैंड क्रिकेट जैसे आप थोड़ी सी रणनीति अपनाइए, डोंट गो टू द शेल इफ वी लूज सम अर्ली विकेट्स, इंप्रूव आवर प्ले अगेंस्ट स्पिन मोर और प्ले लेस डॉट बॉल डिलीवरीज। यार तो वर्ल्ड कप के अंदर ही हुआ है कि हम स्पिनर्स अच्छे से नहीं खेल पा रहे थे, बाकी हम बायलेटर सीरीज और इसके अंदर तो परफॉर्मेंस अच्छी आ रही थी। एड मोर ऑलराउंडर टू लेंथन योर बैटिंग लाइनअप, एड मोर पावर हिटर्स अपार्ट फ्रॉम द हार्दिक पांडे अ फिनिशर, फॉर एग्जाम्पल शिवम दुबे, दीपक हुड्डा, सरफराज खान, अब्दुल समद विद ऋषभ पंत, गिव मोर प्रायोरिटी टू इंटरनेशनल देन आईपीएल एंड एड मोर इनफॉर्म प्लेयर्स देन इंजर्ड और एक्सपीरियंस प्लेयर्स। Let Indian players to play other T20 league apart from the IPL so that they can learn more about the different condition and can play their natural game under pressure. देखिए जो आपने other countries का बोला कि वहाँ पे खेले इसके ऊपर, तो फिर एक बहुत बड़ी debate हो जाएगी, तो उसके ऊपर हम try करेंगे एक अलग से video ले आएं, क्योंकि इसके अंदर सबके अलग अलग opinion होंगे, तो उसके ऊपर हम जल्दी से ले आएंगे एक video. Find more quality left arm pacers and serious pace and T20 specialists to bring variety. Example Arshdeep Singh, शिवम मावी, हर्षल पटेल, उमरान मलिक, चेतन साकरिया, नटराजन। एड मोर क्वालिटी लेग स्पिनर, रवि बिश्नोई, यूजी चहल, मयंक मार्कंडे। तो भैया आपका सजेशन देखिए, मैं आपके पूरे सजेशन से सहमत हूँ, लेकिन दो तीन जो आपने चीजें बोली, एक तो आपने बोला था कि एड मोर पावर हिटर, जिसके अंदर अब्दुल समद और आपका इनका नाम दिया था। देखिए डायरेक्ट तो इनको वर्ल्ड कप में भेजने से पहले इनको ट्राई करेंगे बायलेटरल सीरीज के अंदर, आईपीएल की परफॉर्मेंस देखेंगे, फिर इनका सिलेक्शन होगा। नेक्स्ट ईयर है T20 वर्ल्ड कप, अब जब संजू सैमसन जिन्होंने अब तक आईपीएल में 3 सेंचुरीज मार रखी है, उनको अगर इंडिया के लिए मौका नहीं मिल रहा, तो अब्दुल समद, अभिषेक शर्मा को भाई मौका मिलेगा यार। आप एक चीज सोच के देखो, कृष्णप्पा गौतम को भी नहीं मिलेगा, राहुल तेवतिया को भी मुझे लग नहीं रहा चांसेस मिलेंगे इतने, ये अभी एक साल बचा है अभी अपनी मेन टीम बनाने में। रवि बिश्नोई को मिल सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है रवि बिश्नोई भी हैट्रिक भी लेके आ रहे हैं सैयद मुश्ताक से। अब यार आपके पास मेन मौका वही है जो नेक्स्ट ईयर का आईपीएल होगा ना 2022 का, उसमें भाई देखो इसे अभी इस आईपीएल में ऋतुराज गायकवाड़ परफॉर्म कर रहे हैं, तो इंडियन टीम में भी मौका मिल गया, तो यार आपको आईपीएल में परफॉर्म करना पड़ेगा, वरना T20 वर्ल्ड कप नेक्स्ट आपका कोई सवाल ही नहीं है कि आपका सिलेक्शन हो जाए T20 वर्ल्ड कप में। एंड अब्दुल समद वगैरह का तो मुझे लग नहीं रहा T20 वर्ल्ड कप में मौका मिलेगा, हो सकता है जो 2023 का मेंस ओडीआई वर्ल्ड कप हो उसमें शायद फिर भी चांस मिल सकता है, बट T20 वर्ल्ड कप में तो मुझे कोई अभी चांस लग नहीं रहा फिलहाल। और आपने जो एक बात कही थी कि अदर T20 लीग खेलने दीजिए, इसके ऊपर तो यार पूरी एक डिबेट ही हो जाएगी, कि बहुत लोग हाँ बोलेंगे बहुत लोग ना, तो उसके ऊपर एक अलग से वीडियो बना देंगे। और एक पॉइंट क्वेश्चन है क्रिकेट विद SH का है, डू यू थिंक इन फर्स्ट टू मैचेस अगेंस्ट पाकिस्तान एंड न्यूजीलैंड वी आर टू नर्वस एंड वी हैव नॉट शोन दैट काइंड ऑफ इंटेंट विच वी आर शोन अगेंस्ट अफगानिस्तान स्कॉटलैंड एंड इफ येस वाई इज द रीजन दैट वी ऑलवेज लूज इन इम्पॉर्टेंट बिग गेम फ्रॉम 2014। आर एन स्टाफ क्या कहना चाहेंगे? यार देखो तो बिल्कुल सही कहना पड़ेगा, वी वर टू नर्वस, बट यार देखो इस मैच में एक चीज कहनी पड़ेगी, ये दोनों मैच दुबई के मैदान पर, तो दोनों मैच में इंडिया की बैटिंग थी यार। देखो अगर इंडिया को दोनों मैचेस में चेज करने का मौका मिलता तो डेफिनेटली रिजल्ट्स कुछ अलग ही लेवल पर आते। पर ये कह रहे हैं कि ये नर्वस हो जाती टीम जब भी बड़े मैचेस आते, 2014 से अपन देख रहे हैं कि टीम नर्वस हो जाती है जो भी बड़े मैचेस आते पाकिस्तान न्यूजीलैंड के खिलाफ। हाँ ये तो देखिए, ये तो मैंने भी देखा है, जैसे 2015 वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, पाकिस्तान का तो देखा था ओवर कॉन्फिडेंस में थी, और जैसी हारी थी टीम तो उनका मतलब बिल्कुल जो एनर्जी थी ना वो पूरी ब्लो डाउन हो गई थी कि यार हम पाकिस्तान से हार गए, जिसके अंदर हमारा बढ़िया परफॉर्मेंस हम देते थे पूरी पाकिस्तान की टीम के खिलाफ, तो वो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी उनका डाउन हो गया था, तो उनका वो मोरल स्ट्रांग करने के लिए उनको एक मैच ऐसा चाहिए था जिसके अंदर उनका इंटेंट वो पकड़ सके, तो वो न्यूजीलैंड के खिलाफ अगला मैच था, तो न्यूजीलैंड जैसी टीम इंडिया पे हमेशा भारी पड़ती है और तो टक्कर वाली टीम होती है, तो उसके खिलाफ अगर उनकी परफॉर्मेंस नहीं आनी थी ना, और अपन ने देखा था जो मोरल डाउन हुआ था तो वो साफ साफ दिख रहा था, तो जिस तरह से 111 रन ही बने थे, फिर उसके बाद बॉलिंग की अगर बात करें तो जल्दी से उतना कोई जोश दिख नहीं रहा था, तो उसके बाद है ना फिर जो 3 मैचेस थे तो उनकी मजबूरी थी कि भाई 3 मैचेस के अंदर तो हमको बड़े रन रेट से जीतना पड़ेगा अगर हमको सेमीफाइनल की उम्मीद बरकरार रखनी, तो इसलिए उन्होंने फिर बढ़िया इंटेंट दिखाया था ताकि हमको
हम थोड़ा सा चांस तो ले कि बढ़िया इंटेंट दिखाएं और फिर 900 को अप करें और फिर अफगानिस्तान के ऊपर के वो जीतना नहीं है, तो बेसिकली ये तो। और थोड़ा सा फिक्स्चर्स भी मैं देखना चाहूंगा। आपने पाकिस्तान के बाद डायरेक्ट न्यूजीलैंड का मैच रख दिया, अगर मैं कह रहा था यहाँ पे अफगानिस्तान या नामीबिया या स्कॉटलैंड का मैच होता ना, तो इंटेंट पकड़ पकड़ लेती इंडिया स्कॉटलैंड के खिलाफ, और अगला मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ जीत भी सकती थी अगर उनका मोराल अप होता और कॉन्फिडेंस भी आ जाता। क्योंकि एक एक मैच अगर हारते हैं ना आर्यन, मुझे ऐसा लगता है कि कॉन्फिडेंस लो हो जाता है बिल्कुल, और वो भी इतनी बुरी तरह से 10 विकेट से हारते हैं। तो मुझे तो ये लग रहा है कि बेसिक रीजन यही था। और जो आपने बात करी नर्वस की, देखो तारे सेम होता है मैदान पे बड़े। जिसमें पाकिस्तान इंडिया का मैच हुआ था उसी सेम मैदान पे पाकिस्तान अफगानिस्तान का मैच हुआ था, टारगेट भी ऑलमोस्ट सेम ही था। और जैसे अफगानिस्तान ने भाई इतनी बढ़िया फाइटिंग स्पिरिट दिखाई थी, 2 ओवर में 24 रन चाहिए थे और अफगानिस्तान ऑलमोस्ट जीत ही चुकी थी, बट वो आसिफ अली ने जिता दिया, वो अलग बात है। बट ये देखो इंडिया ने वो परफॉर्मेंस दिखाई नहीं, 10 विकेट से हार रहे थे, बढ़िया तो अफगानिस्तान ने कम से कम 4-5 विकेट तो ले गए थे, और इतना आखिरी तक और मैच भी दूसरा कर लिए थे जो तुम्हारी तरह दूसरा जो थोड़ी। हर जगह चल रहा है वो ये चल रहा है कि इंडियन टीम थकी हुई थी, आईपीएल खेल के आई थी, फिर उसका डायरेक्ट इनका ये वाला वर्ल्ड कप आ गया, तो इससे मैं यार थोड़ा सा देखो सहमत टीम करता तो हूँ। हर टीम ही खेल कर आई है यार, हर टीम ही खेल कर आई है। एक बार बताओ ओएन मॉर्गन है, इनके इंग्लैंड के प्लेयर है केन विलियमसन है, ये भी तो खेल कर आया है ना। पर यार तो देखिए, यार आईपीएल तो बहुत लोग खेल कर आए यार, नहीं वो और बात तो बायो सही बबल है, में तो लेकिन डेविड वार्नर भी रहे थे ऑस्ट्रेलिया के। हाँ वो बात तो सही है, लेकिन आईपीएल के अंदर से इंडियन प्लेयर्स अभी खेल के आए, फिर उसके बाद फाइनल तक खेल के आए, इंडियन प्लेयर्स ज्यादा खेलते हैं आईपीएल के अंदर। बहुत लोगों ने नाम वापस ले लिया था, जैसे एडम जैम्पा ने ले लिया तो उनके परफॉर्मेंस बढ़िया, जॉर्ज बटलर ने ले लिया तो अभी हाईएस्ट रन स्कोरर चल रहे हैं। पूरी पाकिस्तान की टीम को हटा दो, आईपीएल नहीं खेलती इस वक्त। क्या आईपीएल की मैं बात करूँ सेकंड फेज, क्योंकि सेकंड फेज के अंदर आपकी ये कि टाइम बहुत कम था, आईपीएल 15 को खत्म हुआ, 18 से आपके वर्ल्ड कप चालू हो गए, तो यार थोड़ा पता सा है गैप इसको भी आपको अपन कम एज अ मिला। प्रेशर की जगह एज अ प्रैक्टिस के लिए लेना चाहिए था। ये देखो जिस अगर अभी अब इसकी यूएई में T20 वर्ल्ड कप हो रहा है, और उसी यूएई में आईपीएल हो रहा है 1 महीने पहले, तो ये आपके लिए प्रैक्टिस की तरह नहीं है क्या? वो भी तो देते हैं एक बार, इस पर सब प्रैक्टिस की तरह लो। एंड भाई उनको इतना बढ़िया बेनिफिट मिला है कि आप 1 महीने पहले खेल कर आ रहे हो, तो आपको इससे बढ़िया बेनिफिट क्या ही मिलेगा? और उसके बाद भी तुम क्वालिफाई नहीं कर पा रहे, सबसे बेकार ग्रुप में आ गए तुम, इंग्लैंड वाले ग्रुप में आ गए, तुम्हारा क्या ही होता भाई? उसमें तो सारी टीमें और बढ़िया दूसरा थी, और तो सबसे दूसरा बेकार रवि ग्रुप है शास्त्री ने अफाना वाला तो। दूसरा रवि शास्त्री ने बोला था कि अगर डॉन ब्रैडमैन को भी आप बायो बबल के अंदर डाल दोगे तो उनका एवरेज भी कम हो जाएगा। उन्होंने साफ साफ बोला था कि जो बायो बबल अभी चल रहा है, प्लेयर्स थके हुए हैं, फैमिली से इतनी देर तक मिले नहीं, और आईपीएल के बाद डायरेक्ट वर्ल्ड कप हो गया, तो वो बोले कि बायो बबल के अंदर जो रहता है उसके लिए एक तरह से मेंटली मेंटली प्रेशर बहुत होता है। क्योंकि बायो बबल मैंने तो देखिए देखा नहीं मतलब किस तरह से होता है, लेकिन जो बहुत लोग कहते हैं कि दिक्कत होती है प्लेयर्स को बायो बबल के अंदर, जो अभी कंडीशन चल रही कोविड की और ये सब, तो बायो बबल भी एक मेन रीजन हो सकता है। और दूसरा है ना कि यार प्लेयर्स रोबोट नहीं ना, अपन उनको कितना क्रिकेट खिलाओगे, टेस्ट मैच खेल के आए थे इंग्लैंड के अंदर टेस्ट क्रिकेट, फिर उसके बाद आईपीएल चालू हो गया, उसके 5 दिन बाद ही वर्ल्ड कप चालू हो गया, तो इससे मैं थोड़ा सा एग्री करूंगा कि यार प्लेयर्स रोबोट नहीं है, उनको लगातार खिलाते रहिए। जसप्रीत बुमराह ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि मुझे रेस्ट की जरूरत है लेकिन अभी तक मिली नहीं है, तो मैं पूरा एक मेंटली भी प्रेशर में हूँ, फिजिकली प्रेशर के अंदर हूँ, मुझे रेस्ट चाहिए, इसलिए भी उनको बायलेटरल सीरीज के अंदर नहीं लिया था। और विराट कोहली ने भी इसलिए रेस्ट लिया कि हम थोड़ा सा यार जो उनका तनाव है ना, पूरा जो प्रेशर होता है पूरे क्राउड का और पाकिस्तान की गेम में, वो सब उस वक्त और मैंने देखा था, वो दिख रहा था साफ साफ थके हुए थे प्लेयर्स, फिर भी एक मेन रीजन हो सकता है। बाकी तो हमने आपको बता ही दिया पूरा, और ये लास्ट क्वेश्चन था शायद से। हाँ फिलहाल इस वीडियो के अंदर बस इतना, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को देखने के लिए।